हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। तो देखिए, मैंने ये मिल्क पाउडर लिया हुआ है और इसमें जो छोटी मोटी गुठलियाँ हों उसे आप निकाल देना। और आपको हल्का बिल्कुल निवाया दूध लेना है, जो आपको एक कप दूध बहुत रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। ये मैंने 1/2 kg मिल्क पाउडर लिया हुआ है, आप ले सकते हो जितना आपको लेना हो अपने अकॉर्डिंग। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर ली हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। इसका आपको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा डो लगाकर तैयार करना है। जैसा आप रोटियों के लिए डो तैयार करती हैं, इस प्रकार का इसका डो तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका आटा तैयार कर लिया है। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। उससे पहले मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बर्तन ले लिया है। ये मैंने खाली बर्तन लिया हुआ है और ये 500 ग्राम चीनी है। और फ्रेंड्स, अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे गैस पर बनने के लिए रख देंगे। तो देखिए, ये मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे गैस पर रख दूंगी। धीरे धीरे हमारी एक तरफ चाशनी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ अपना घी गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। आप इसको शेप कोई भी दे सकते हैं, जैसे आप देना चाहें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार के सिलेंडर में के आकार में इन्हें बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसी तरह पका लूँ। आपको इन्हें हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है। और अब मैं इसे गोल आकार में भी इसके अंदर डाल देती हूँ। जिस प्रकार के भी आप बनाना चाहो, उस प्रकार की बना सकते हो। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 गुलाब जामुन डाल के पहले देख लिया है कि हमारा घी गर्म हुआ है या नहीं। अब एक एक करके मैं सभी डाल दूंगी इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 5 से 7 इसमें इकट्ठे डाल लिए हैं और धीरे धीरे मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये है ब्राउन कलर के हो जाएंगे, आप देख सकते हो। और एक तरफ हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी एक तार की बनकर तैयार हो चुकी है। अब फिर से मैं इसे हिला देती हूँ। आपको इसे हिलाते ही रहना है क्योंकि यह है कच्चे रह जाते हैं। आप इसे अगर काला जामुन बनाना चाहो तो इसे ज़्यादा थोड़ा ब्लैक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इनके कलर देख सकते हो। अब हम इन्हें, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, उसमें गर्म गर्म डाल देंगे। तो देखिए, हम अपनी चाशनी में धीरे धीरे 2 तार की चाशनी हमने बना रखी है। तो देखिए, धीरे धीरे आपको सभी इसी तरह बना लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें सभी को निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और अपनी चाशनी के अंदर डाल लूँगी। धीरे धीरे आपको सभी इसी तरह बॉल्स बनाकर और गुलाब जामुन बनाकर निकाल लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। मैं एक इनमें से गुलाब जामुन आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे तरीके से पके हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको इस प्लेट में गुलाब जामुन तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, यह कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना हुआ है। देखिए, अंदर से भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही रसदार और बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें।